बुराई पर अच्छाई के प्रतीक का जो पर्व है विजयदशमी, उसके ऊपर भी आज इस निकम्मी सरकार के कारण, एक ऐसे मुख्यमंत्री के कारण जो बिल्कुल संवेदनहीन है, उसकी वजह से आज कहीं न कहीं इस राजस्थान का युवा बेरोजगार इस तरीके से बैठा है कि आप यहाँ देखिए, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं शहीद स्मारक से, जहाँ बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन यादव आज दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और वो भी इसलिए कि एक जायज मांग को लेकर। हो सकता है कोई बड़ी मांग होती तो शायद ये सरकार राजस्थान को छोड़कर दिल्ली तक पहुंच जाती, लेकिन इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज मांग है, एक बहुत ही जायज और अच्छी और सच्ची मांग है। रीट भर्ती को लेकर जो अनियमितता हुई है, पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है, उसको लेकर उपेन यादव लगातार, आज से पहले भी हमने लगातार उपेन यादव के आपको धरने प्रदर्शन दिखाए, जो हमेशा बेरोजगार और युवाओं के हित में करते हैं और सबसे पहले आगे खड़े रहते हैं, चाहे इनको गिरफ्तार होना पड़े, गोली खानी पड़े या पुलिस के डंडे खाने पड़े। लेकिन इन सरकार की असंवेदनहीनता से डरकर पीछे नहीं हटने वाले उपेन यादव, रात के 10 बज रहे हैं और शहीद स्मारक MI रोड जयपुर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां उपेन यादव आज दूसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन इस निकम्मी सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई मंत्री, कोई विधायक या कोई भी जन प्रतिनिधि अब तक इनसे नहीं मिला है। हालांकि फोन कॉल आते हैं, इनको बुलाया जाता है, लेकिन इस बार उपेन यादव ने भी आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और इस सरकार को ये स्पष्ट कह दिया है कि यदि अब आपको वार्ता करनी है तो आप मेरे बेरोजगार युवाओं के बीच में आइए और वार्ता कीजिए। मैं आपको रूबरू करता हूँ उपेन यादव से, इस दो दिन के घटनाक्रम में क्या कुछ रहा, क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला या किसी भी प्रकार का कोई निर्णय की ओर सरकार अग्रसर है या नहीं। उपेन यादव जी, आज दूसरा दिन है आपकी भूख हड़ताल का, क्या कुछ आपको देखने को मिला इस सरकार की तरफ से? बड़े श्रम की बात है, आप देखिए आज दशहरा त्यौहार है और अधिकतर क्या होता है त्यौहार के दिन हर विद्यार्थी अपने घर पर रहता है, अपने माता पिता परिवार के बीच, लेकिन आज हम धरना स्थल पर, आज जिस प्रकार बेरोजगार अवसाद की स्थिति में है, जिस प्रकार पेपर लीक हो रहा है, जिस प्रकार लंबित भर्तियाँ हैं, जिस प्रकार जो लिखित में मंत्रियों ने समझौता किया था, लिखित में दिया था, 12:30 बजे आए थे, वो सारे समझौते की मांगें अधूरी है, तो आज उन सबको लेकर एक तरह से ये बुराइयाँ हैं, ये असत्य के खिलाफ हम सत्य की जीत के लिए हम यहाँ बैठे हैं। दूसरा दिन है, आप रंजन पे हैं, हालांकि पहले दिन स्पष्ट कर दिया था कि हम वार्ता के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, मंत्री से मुलाकात की और सारी चीज़ें उनके सामने रख दी थी, अब हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। इन मांगों को लेकर मैं खुद आमरण से बैठा हूँ, आज सेकंड डे है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जो संवेदनहीनता जो दिख रही है, सबसे ज्यादा दिख रही है, पिछले 100 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं बीकानेर में रील शिक्षक भर्ती 2018 जहाँ शिक्षा मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि भर्तियाँ जल्दी करेंगे, बता दीजिए मंत्री जी, रील शिक्षक भर्ती 2018 की जो सूची जारी हुई थी वो भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, एडवोकेट नहीं जा पा रहा, अब सुनवाई दिसंबर में बता रहे, तो आप उसको केस को मेंशन करवाई, सुनवाई करो, एडवोकेट भेजिए, उनको न्याय दीजिए। वहीं इसको क्या कहता भर्ती 2018 की जो घोषणा सुजानगढ़ में की थी कि मेरे फोन की घंटी बजेगी, आपके घंटे बजेगी, घंटी के इंतजार में ये लोग बैठे हैं, आपको बताएंगे कितना रात को फोन घंटी बजती, मंत्री जी का फोन कर। दूसरी तरफ जो 19,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड पी ग्रेड की घोषणा लगातार कर, उसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, तो 2019 दिसंबर की घोषणा थी। वहीं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए 28 अगस्त को कमिट किया था कि अगले वीक में सिलेबस आएगा, आज तक जारी नहीं हुआ, विज्ञप्ति जारी हुई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। वहीं शिक्षक भर्ती 2012 का भी मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में लगी है, उसको भी पूरा नहीं करवा पाया। प्रयोगशाला शाही भर्ती है, जिनके सेवा की 15-24 पदों पर उसकी सूची जारी हुई है, टेक्निकल हेल्पर है, वहीं रेडियो का पर टेक्नीशियन है, पंचायत राज जैन भर्ती है, फार्मासिस्ट है जिसके पास स्थिति है, और पंचायत राज LDC है जो दोपहर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। इसके अलावा तमाम जो 21 सूत्र मांगे हैं, इसके अलावा जो हम मांग कर रहे हैं रीट और SI भर्ती की CBI से मांग, मंत्री जी को क्या दिक्कत है CBI से मांग जो कर रहे हैं उसको पूरी करने में क्या दिक्कत है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, CBI से रीट और SI भर्ती की जांच होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, इसमें जितने लोग लिप्त पाए जाते हैं सबको जेल में डालना चाहिए और गैर जमानती सख्त कानून बनाना चाहिए, 10 साल की सजा, 20 साल की सजा होती है और उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार पेपर लीक हो रहे हैं, जिस प्रकार मार्केट में है, जिस प्रकार अपराधी पकड़े जा रहे हैं,
इससे बेरोजगारों में अविश्वास उत्पन्न हुआ है। तो मेरा मानना यह है शिक्षा मंत्री जी, आपको आगे आकर आपको सीबीआई को जान दे देनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई के चार्ज में कुछ नहीं आता है, तो आपका भी जो आपकी जो आक्षेप लग रहे हैं कहीं ना कहीं आप भी इसमें अगली परीक्षा में पास हो गए, आपके प्रति बेरोजगार को विश्वास बढ़ेगा, सरकार के प्रति भी बढ़ेगा। तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जिस पर आप चैलेंज देते हो, कहते हो कि वो तो बीजेपी का आंदोलन था, ये बेरोजगारों का आंदोलन, बताइए आप तो कोई आरोप लगा नहीं सकते हो आप, क्योंकि ये खुद पीड़ित बेरोजगारों का आंदोलन है। जितने बेरोजगार बैठे हैं अभी हमारे काफ़ी साथी, क्योंकि यह मच्छर है, एक दो लोगों को डेंगू भी हो गया मच्छरों से, तो कई लोग चले जाते हैं। रात को अनशन मैं कर रहा हूँ तो कई पुलिस वाले मुझे उठाने लगे, इसलिए 10-20-50 लोग यहाँ मेरे साथ रहते हैं और लोग चले जाते हैं, क्योंकि किसी का डेंगू नहीं हो जाए, मच्छर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस प्रकार हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है, पूरी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोला है। सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में कांग्रेस सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि ये मुझे जेल में डालेंगे फिर आऊँगा लेकिन इच्छा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, चाहे उत्तर प्रदेश जाना पड़े तो अब जाएंगे, क्योंकि अब हमें आश्वासन ही हमें परिणाम, चाहे वो लंबित प्रक्रिया हो, चाहे 23 फरवरी को समझौता हो वो मांग हो, चाहे सीबीआई से लीगल एसआई की सीबीआई की जांच की मांग हो, चाहे गैर जमानती सख्त कानून की आवश्यकता है वो मांग हो, चाहे बेरोजगारों को 10 मुकदमे वापस लेने की मांग हो, और चाहे जो लंबित प्रतियोगिता नई भर्तियाँ निकालने की चिकित्सा विभाग में निकालने की मांग करें, रेडियोग्राफर, इलेक्ट्रिशियन, नर्सिंग कर्मी, दंत चिकित्सक, ओटी टेक्नीशियन और शिक्षा विभाग में तमाम नई भर्तियाँ निकालने की मांग हो, और लंबित कुल मिलाकर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है, और जब तक जारी रहेगा तब तक हमारे मांगे नहीं मानेंगे। मैंने यादव जी, आपको 2 दिन हो चुके हैं और शायद यदि हम 2 दिन और निकलेंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी, डिहाइड्रेशन होगा, पानी कम हो जाएगी बॉडी, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बॉडी में कहीं ना कहीं जरूर अटैक करेगी, उसका क्या निराकरण होगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि सरकार शायद जाएगी। देखो मैं, मुझे पता है कि अभी मुझे लिखने से पहले भी मैं 8 बार अक्षर कर चुका हूँ, और पहले भी डॉक्टर ने मना किया, लेकिन फिर भी एक बार की सरकार कहती है कि हम गांधीवादी कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुई, तो मैं गांधीवादी विचारधारा के रूप में अनशन कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तबियत खराब होकर मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में मेरा अनशन जारी रहेगा, अनशन जारी रहेगा और अंतिम क्षण तक हम संघर्ष करेंगे। देखते हैं कि ये सरकार गांधीवादी वाली सरकार है या फिर हत्या करने वाली सरकार है, क्योंकि मैं एडमिट रहूँगा, ये हमारी मांगे नहीं सुनेंगी, यदि मैं मारा जाता हूँ तो फिर हत्या वाली सरकार ही कहलाएगी, लेकिन ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। लेकिन ये जरूर है कि ये सरकार हमारी निःशुल्क है, बुरी स्थिति कांग्रेस की होगी, गंभीर हालात होंगे पूरे प्रदेश में, जहाँ भी जाएंगे हर नेता जाएगा, वहाँ युवा बेरोजगार विरोध करेंगे, मैंने यादव से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, मैंने 9 साल संघर्ष किया, 2 लाख से ज़्यादा तो कर्मचारी है, युवा बेरोजगार है, तो कहने के गंभीर परिणाम सरकार को उठाने पड़ेंगे यदि हमारी मांगे नहीं। उपेन्द्र जी, जिस तरीके से बत्तीलाल का गिरफ्तार होना, फिर उसके बाद परत दर परत कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आज जांच जालौर तक, बाड़मेर तक जाना, क्या लगता है आपको, सरकार ये मान चुकी है कि पेपर लीक हुआ है, और अब आप अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे जिस तरीके से कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ऐसो जी जिस तरीके से गिरफ्तारियां कर रही है, उसमें कई अधिकारी भी गिरफ्तार हुए हैं, क्यों नहीं सरकार मान लेती आपकी बातों को, क्योंकि अब तो आप रीट कैंसिल की भी बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं मान ली जाती आपकी बात? लोग कमल जी, सीबीआई की मैं मांग इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास फोन अभ्यर्थियों के भी कॉल आ रहे हैं एसआई और जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 130-35-40 नंबर आ रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि जाँच हो गई, क्योंकि पेपर मेरे साथ एक दिन पहले आया था, हजारों की संख्या में गया, तो जाँच होगी ना। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि अब सीधी भर्ती रद्द हो जाए तो वो कहेंगे कि हमारे साथ अच्छे नंबर आए तो पे यादव ने हमें मरवा दिया, वो जिंदगी भर मुझे गाले देंगे। जाँच के बाद सीबीआई की जाँच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा उसमें, यदि उसमें लग रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा लीक हुआ सारा तो वो रद्द हो जाएगी, तो वो फिर उनको लगेगा सीबीआई ने सीख किया, वो कभी मुझे गलत नहीं कह रहे हैं, और सबके सामने सच्चाई भी आनी, इसमें बड़े बड़े हाथी बड़े बड़े लोग पाए जाएंगे, उनकी कड़ी तोड़ना, उनको जेल में डालना, फिर कानून बनाना, सीबीआई ही उन लोगों को पकड़ेगी। एसओजी पर सवाल उठ रहे हैं, एसओजी लाइब्रेरी का पेपर लीक हुआ, जैन डिग्री का लीक हुआ, जेल प्रेरी का लीक हुआ, राजस्थान पुलिस भर्ती का लीक हुआ, आज तक वो अपराधी कई भर्तियों में तो पकड़े गए, कई नहीं पकड़े गए, पर आज तक खुलासा नहीं हुआ कि लाइब्रेरियन का पेपर कहाँ से आउट गया, ट्रेडिंग प्रेस से हुआ या दिनेश बोर्ड से हुआ, कौन कौन लिख गया, आज तक कुछ नहीं हुआ, जब उसमें बार घूम रहा है, तो जब तक अपराधी जेल के अंदर नहीं होंगे, जब तक खुलासा नहीं होगा, एसओजी नाकाम रही है, क्यों खुलासा नहीं कर पाई आज तक, जेल प्रेम का पेपर कहाँ से आया, जेएन डिग्री का कहाँ से आया, कौन कौन लिख, खुलासा कर ही नहीं पाई आज तक, तो कैसे विश्वास कर लिया, संदेह के गहरे में है एसओजी, तो एसओजी अब इस बार उसके एसओजी के पास चुनौती है, एसओजी दिखाए कि ये पेपर वहाँ यहाँ से निकला, ये बड़े लोग लिखकर सारा खुलासा करे और सबको जेल में डाले,
सरकार ने दावे किए थे कि हम नीलम प्रकाश करेंगे, निलंबन करके वो 31 भी करें आप प्रकाश करें। जिन परीक्षा केंद्रों पर लापरवाही पाई गई है उनके उनके मान्यता रद्द करो। अब एक मीरा चौधरी लड़की थी जिसने वीडियो में उनके पोल खोली परीक्षा केंद्र पे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। 6 लोगों ने आवाज उठाई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अब देखते हैं दम कितना है, करियो फिर या तो मुकदमा, पूरी सरकार हिल जाएगी। जितना दम है लगा लीजिए, खुला मोर्चा खोला है ना, मरते दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे। मुकदमा 6+1 7 लोगों पे मुकदमा दर्ज करा दिया। आपके ही जो समाचार, जो आपके हमारा समाचार से जुड़े मुझे सागर चौधरी जी ने बताया कि एक वो आपके चैनल पे भी आई थी, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। 7 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ। ये आपको मुकदमा दर्ज करना है तो उनके ऊपर दर्ज करिए ना, जिन्होंने पेपर लीक किया है, जिन्होंने लाखों बेरोजगारों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जो लोग उनकी पोल खोल रहे हैं कि पेपर खुला है उप परीक्षा केंद्र के, उनके अधिकारी मुकदमा दर्ज करो। उनको युवा बेरोजगार को मुकदमा दर्ज करके डराने की आवश्यकता नहीं, कोई डरने वाला नहीं है। आज मुझे मरवा दोगे, मुझे फंसा दोगे, राजस्थान में लाखों भूपेन्द्र यादव आ जाएंगे जो आपसे लड़ेंगे। किसी गली में किसी के क्षेत्र को घुसने नहीं देंगे। इसलिए अभी भी समय है कि मंत्री जी आपको सुनना होगा, आप खुद कह दीजिए, सीबीआई से जांच करवा देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो रद्द की मांग कर ही नहीं रहा, नहीं करा मैं रद्द की मांग। आप सीबीआई की जांच करवा दीजिए, सीबीआई की जांच में तय हो जाएगा कि लीक हुआ है तो रद्द हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन ये सारे लोग जेल में होने चाहिए, आने वाली बढ़ती परीक्षा सुरक्षित नहीं है। मेरा मकसद है कि मेरा देश का युवा विद्यार्थियों को सपनों को कोई पीछे नहीं, सख्त कानून बनना चाहिए। मान लीजिए ये तो जांच का हमारा संघर्ष चल रहा, सरकार को तो आ गया कि कानून बनाना चाहिए। हरियाणा में बन रहा है कानून, बना दिया कि भविष्य में जो खिलवाड़ करेगा वो उसकी जमानत नहीं होगी, 20 साल जेल के अंदर रहेगा और उसकी संपत्ति जब्त होगी। डर तो है नहीं, बाहर घूम रहे जो मार क्या जगदीश बिश्नोई है, अमृतलाल मीणाकर पहले नाम आया था, कई लोग हैं उनका अरबों रुपए की संपत्ति है, ये जेल जाते हैं वापस आ जाते हैं, और इसमें कई अधिकारियों की मिली भगत है। जब तक इनमें डर नहीं होगा, जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा, राजस्थान के देश के प्रदेश के सब बेरोजगारों के सपनों को ये लोग बेचते रहेंगे। इसलिए सख्त कानून की आवश्यकता, सीबीआई जांच की आवश्यकता, और साथ में जो लिखित में समझौता हुआ था हमारा, नई सूत्रों को मांग, जो टोटल 21 सूत्र मांगों, वो मांगों को लेकर हम देखे मंत्री सुभाष गर्ग साहब से मैंने किया, मैंने कहा साहब ये लिखित का समझौता है, कह रहे कि मतलब सदस्य क्या कहें, मुकर गए अपनी मांग से, मुकर गए तो भैया हम लोग भी सपनों में उसको समर्थन दिया है। राहुल गांधी जी से मिला था, PCC में बैठ के समर्थन दिया था, तो हम समर्थन देना जानते हैं तो विरोध करना भी जानते हैं। खुले में विरोध करके हम बैठे रहने थे और बैठे रहेंगे, जब तक मांगे नहीं मानेंगे हम विरोध करेंगे, और आने वाले उपचुनावों में भी इसका नतीजा सरकार को सब जगह आपका है। DSP की अभ्यर्थी है, उनकी जो 2016 की सूची जारी हुई उसमें पहले जो RTI में और विधानसभा के सवाल में ज्यादा बताए, अब कम पदों पर सूची निकाले। DSP का DSP के जो अभ्यर्थी है सेकंड ग्रेड और LDC 2018 इनमें जो DSP का एरिया बढ़ा उसमें उनके साथ धोखा किया, तो वो भी पीड़ित है, हर बेरोजगार पीड़ित है। अब सरकार को सुनना होगा, सरकार सुनेगी तो मैं साथ हूँ, धन्यवाद दूंगा। सरकार नहीं सुनेगी तो विरोध खुला होगा, और खुला विरोध होगा इसका नुकसान सरकार को। वो तो मंत्री जी का मेरे हिसाब से जुमला ही, मंत्री जी ने कहा कि मैं CM के पास चलूंगा, आपकी बात रखूंगा, उन तक फोन तक करते हैं, 2 मिनट तक करते हैं, फिर बाद बात नहीं होती। तो मंत्री जी युवाओं के नाम पे, तो आप कहते हो मैं युवाओं के साथ हूँ, मुझे नहीं लगता आप ऐसे रहे, क्योंकि आप युवाओं की आवाज़ अच्छी तरह उठाते थे, क्योंकि आपको एक तरह से आइकॉन मानने लगते थे। लेकिन जिस प्रकार आप इन दिनों में जो आपकी सरकार आने के बाद, तो आप इस पर युवाओं को नजरअंदाज कर, युवाओं के नहीं सुनो तो कहने के 2023 में युवा आपका साथ नहीं देते, आप बेरोजगार बनकर घर बैठ जाओ। युवाओं की सुनना पड़ेगा, युवा बड़ी ताकत है आपकी, इसलिए आप अपने जो पहले वाला जो रोल था आपका, आप देखिए आप पहले क्या थे, आज क्या थे, आपको खुद को पता लग जाएगा युवा आपसे कैसे टकरा रहा है और क्या आपकी कमी है। आप इस कमी को दूर करिए, युवाओं का साथ दिए, आपको आना चाहिए। अनशन में बैठे 2 दिन, आज त्यौहार के दिन यहाँ बैठे, दशहरा त्यौहार है, आप सब लोग त्यौहार घर पर बना रहे हो, हम सब लोग यहाँ जी। ये थे हमारे साथ उपेन्द्र यादव। मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा, कुछ अलग अलग प्रतिनिधि बैठे हैं, आप इनकी पीड़ा भी सुनिए एक बार, इनके भी आप बताइए, लोगों को पता चले आपके चैनल के माध्यम से, इन सबका पता चले, ये इधर बैठे हैं, इनके बैठे हैं, ये इस बैठे ताकि बैठे, मंत्री जी ने क्या कहा, इनका सबका लिखिए एक बार। हाँ सर, सर आप कौन सी भर्ती के? सर मैं 2018